प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे को लेकर दारुल उलूम देवबंद 24 सितंबर को एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार के इस फैसले का लगातार उलेमा व मदरसा संचालक विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन सरकार के फैसले के समर्थन में खड़े हैं। अब राष्ट्रवादी सेना ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजकर मांग की है कि सरकार की यह कार्यवाही एक तरफा है। राष्ट्रवादी सेना के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे करना है तो सभी धर्मों के शिक्षण संस्थानों का होना चाहिए, साथ ही आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों का भी सर्वे होना चाहिए। सहारनपुर से विशाल कश्यप की रिपोर्ट। आज हमने राष्ट्रवादी सेना के तत्वाधान में उप जिलाधिकारी देवबंद के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर ये अवगत कराया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सबकी जांच होगी, सबका सर्वे होगा, यह आदेश पारित कर दिया। मगर यहाँ जमियत उलेमाए हिंद व दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम उनके मौलाओं ने उसका विरोध करते हुए आने वाली 24 सितंबर को एक इजलास यानी कि सम्मेलन बुलाने का घोषणा की है और ये कहा है कि ये संविधान के विरुद्ध हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि अगर सर्वे ही कराना है, जांच ही करानी है, हमारे एक धार्मिक इस्लाम धार्मिक मदरसों पर जांच कराने का आदेश दिया है तो संविधान के दायरे में ये उचित नहीं बैठता। हमारी मांग है सरकार से कि जिस तरह से हमारे धार्मिक मदरसों की जांच हो रही है, इसी तरह से और भी धर्म के मदरसे हैं, सभी धर्मों के मदरसे, मठ और जो भी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, चाहे आरएसएस संघ की चल रही है, चाहे वो जैन धर्म की चल रही है, बौद्ध धर्म की चल रही है और चाहे वह ईसाई धर्म की चल रही है, सभी संस्थाओं की जांच होनी चाहिए और जहां भी गलती पाई जा उन पर फिर कार्रवाई हो। तो आज हमने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि उनकी मांग उचित है, संविधान के दायरे में रहते हुए एक ही धर्म को टारगेट ना करते हुए जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, दारुल उलूम देवबंद हो और चाहे आरएसएस संघ की कोई संस्था हो, सबकी बराबर से जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, जहां भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पाई जा उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमने मांग की है। तो कई बार इसमें आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये विश्व विख्यात शैक्षिक संस्था है, धार्मिक संस्था है जहाँ पूरी दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ छात्र पकड़े गए हैं, आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये मैं नहीं कहता, ये सर्वे कहते हैं। जनपद सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद के द्वारा एक आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। आपके पास कोई सबूत है? सबूत रोज़ आप डिबेट पर देख लें, सब लिखित में है सर्वे, कहाँ कहाँ कौन कौन पकड़ा गया है, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए हम सरकार से, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से सबसे मांग करते हैं कि किसी भी धार्मिक भावनाओं की ठेस ना पहुंचते हुए सभी संस्थाओं का सर्वे करा दो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबका पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एटीएस सेंटर का भी स्थापना देवबंद में कर दी है, उसके बाद भी रोक नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये हमारे देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। हम चाहते हैं हमारा भाईचारा भी रहे, एकता अखंडता रहे, हमारे देश की सुरक्षा बने और जो भी गतिविधियां इस तरह की पाई जा रही, चाहे वो कोई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, ईसाई हो,
अगर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं भी गलत करता हूँ तो मेरे भी खिलाफ कार्रवाई होकर मुझे भी फांसी देनी चाहिए। देश सबसे सर्वोपरि है, जाति मजहब से भी ऊपर देश है। दारुल उलूम से भी अलग जो अन्य मदरसे हैं, छोटे छोटे मदरसे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करेगा 6 स्कूलों में जाकर और वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बनेंगे, उन बच्चों को